हेलो। और थ्री स्टॉक्स फॉर नोवर, पहला स्टॉक है सन फार्मा। तो देख सकते हैं सन फार्मा ने नो डाउट यहाँ पे इस रेंज में एक अच्छा खासा यहाँ पे रेंज बनाया। नो डाउट कल एक सन फार्मा एक ब्रेकआउट दे सकता है, तो हम लोग सन फार्मा 1165 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, 20 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक देख सकते हैं आयन एक्सचेंज। तो नो डाउट देख सकते हैं आयन एक्सचेंज ने ये पर्टिकुलर लेवल पे बहुत बार देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसने बहुत बार ये ब्रेकआउट करने का ट्राई किया। अभी देख सकते हैं कि अभी इसने एक अच्छा खासा सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे दिया, तो हम लोग 630 के रुपीज़ पे इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज कंज्यूमर। देख सकते हैं बजाज कंज्यूमर एक अच्छा खासा शार्प रैली देने के बाद बजाज कंज्यूमर देख सकते हैं अभी एक डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग बजाज कंज्यूमर 245 लेवल पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। थैंक यू।